नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और आज शुक्रवार का दिन है, कारोबारी सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन है कमोडिटी बाजार का। जानेंगे कि कमोडिटी बाजार आज सुबह में कैसा खुलता नजर आ रहा है आखिरी हफ्ते के कमोडिटी बाजार के आखिरी कारोबारी दिन के दौरान, और आने वाला कारोबारी सप्ताह कैसा रह सकता है कमोडिटी बाजार के लिए, ये सब जानेंगे। और रूपा मेहता की उस पर क्या राय रहेगी ये सब भी जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने चांदी से। तो सोने चांदी में आज हम देख रहे हैं कि कल के मुकाबले सोना चांदी थोड़े ठीक लेवल्स पर है। गोल्ड देख रहे हैं $1904 पर है और सिल्वर $23.3 पर। देख रहे हैं कि कल के बाद आज सोने में हल्की बढ़त देखने को मिली है। तो अब यहाँ से ये जो सोना निचले स्तर से फिर से रिकवर हुआ है, तो ये यहाँ पे सस्टेन हो पाएगा या फिर यहाँ से फिर से कीमतें गिर जाएंगी, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि कल को हमने गोल्ड को $1880 की रेंज में ट्रेड करते देखा था, आज देख रहे हैं $1905 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। जबकि मई में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मई में यूएस फेड अपनी जो ब्याज दरें उनमें बढ़ोतरी कर सकता है, तो ऐसे में गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस थे वो गिरने चाहिए थे जैसे बीते दिनों हमने गिरते देखे। लेकिन ये जो कल से आज ये जो रिकवरी देखने को मिली है, ये रिकवरी क्यों देखने को मिली? देखिए, जो खबरें निकल कर आ रही है कि फेड की तरफ से 4 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक किए जा सकते हैं, उसी खबर को ऑलरेडी मार्केट पहले ही कैश कर चुका है, जिसके चलते हमने इसमें गिरावट आते हुए देखी थी। अब निचले स्तरों पर एक बार फिर से रिकवरी आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसके चलते हम देखते हैं कि कभी इन्वेस्टर्स का रुझान जो है वो सोने की तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए प्राइसेस जो है वो ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो इकोनॉमी की अभी स्थिति देखने को मिल रही है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन है उसका इंपैक्ट भी मार्केट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो सोना है, सोना सेफ हेवन माना जाता है हर एक ऐसी परिस्थिति में जब कोई अनिश्चितता फैल जाती है। तो अभी जो सोना है वो रेंज बाउंड था, $1880 नीचे में अगर लग रहा था, फिर 1880 के नीचे ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 1807 तक भी गिर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ट्रेंड हमेशा पॉजिटिव रहा है और आगे भी इसमें बाइंग जो है वो इनिशिएट होती रहेगी हर करेक्शन पर। लेकिन अभी के लिए जो रेंज बनती दिखाई दे रही है वो 1920 है। अब 1920 तक हो सकता है कि एक बार गोल्ड ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, वहां से फिर मार्केट जो है वो अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो तेजी की तरफ रहेगा, अदरवाइज फिर करेक्शन $1880 तक बन सकती है। तो यहाँ पर 51,800 डोमेस्टिक मार्केट में, तो नीचे में 50,700 से 800 की रेंज फिलहाल बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये सर रूपा जी, कच्चे तेल में क्या लगता है? WTI देख रहे हैं $105 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $160 पर। आपको क्या लगता है, क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह भी क्रूड ऑयल के लिए ऐसे उठा पटक वाला बना रहेगा? देखिए, एक बार फिर से क्रूड में रैली आती हुई दिखाई दे रही है, काफी जगहों पर एक बार फिर से डिमांड जो है वो अपना अहम रोल प्ले करती नजर आ रही है। सप्लाई डिस्टर्ब है, जो चाइना की स्थिति है अब जो है वहां से डिमांड एक बार निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो थोड़ा सा ईज ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि फिर एक बार क्रूड में सपोर्ट आया है और मार्केट तेज हो गया है और $100 के ऊपर फिर से सस्टेन है। क्रूड भी अब यहाँ से $110 से लेकर $112 तक अपसाइड में बना रह सकता है और वहां से निकलता है तो $120 तक की तेजी बन सकती है। और वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी 8,100 से लेकर नीचे में जो डाउन साइड है वो 7800 तक का है, यानी कि 200 पॉइंट नीचे है, तो अभी 100 से 150 पॉइंट की तेजी ऊपर की तरफ बनी रह सकती है। तो आज इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से इसके अंदर बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन बाइंग सस्टेनेबल होगी या नहीं ये देखना होगा। अभी मार्केट जो है मैक्सिमम $110 से $112 तक की तेजी पकड़ सकता है। जी, यही से रूपा जी, वो कौन से बेस मेटल्स होंगे जिनमें बेस मेटल्स में अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है, अगर बेस सिर्फ बेस मेटल्स की बात की जाए तो? देखिए, बेस मेटल में अभी दबाव है और दबाव जो है अभी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में बना रह सकता है। जैसे कि कॉपर हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि 780 तक नीचे लुढ़क सकता है और 780 तक अभी भी लग रहा है कि एक बार मार्केट जा सकता है, और कॉपर नीचे में 780 से अगर सस्टेनेबिलिटी आ गई तो वापिस तेजी में आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ से 760 तक भी आपको लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कॉपर में फिलहाल के लिए सेलिंग का कॉल बनाया जा सकता है, क्योंकि पूरी तरह से एक बार मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि कॉपर में बिकवाली किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है और वो पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा प्रेशर है जिसकी वजह से यहाँ पर बिकवाली करके चला जा सकता है। जिंक भी नीचे में 348 से 346 तक की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, उसमें भी बिकवाली करके चला जा सकता है। जी,
रूपज जी, नॉन एग्री में आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आज के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि कॉपर में बिकवाली की जा सकती है, नेचुरल गैस भी थोड़ा सा करेक्शन में जा सकता है, 520 तक उसमें भी बिकवाली करके चला जा सकता है जी। रूपा जी, आने वाला कारोबारी सप्ताह नॉन एग्री के लिए कैसा साबित हो सकता है? देखिए, अभी मिला जुला सा रुझान है, एक्सपेक्टेड है, देखने को मिल सकता है। अभी बाजारों में जो है स्थिति अभी काफी हद तक जो है अगले जो वीक में डाटा आएगा उसके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करेगी, लेकिन हाल फिलहाल में सीमित दायरा बाजारों में बना रह सकता है। क्रूड की बात करें तो क्रूड में ऊपरी स्तरों पर भी क्वाली हावी होते हुए नजर आ सकती है जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।